गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने वर्कशीट 9 को किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ट्री मेथड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें, डिवीजन मेथड के थ्रू हमें प्राइम नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं 4 पार्ट आपको करके दिखाता हूँ और ई एफ जी एच आप लोगों के लिए घर के लिए है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ई ए पार्ट, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर हम ए पार्ट करेंगे। 27 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले तो हमें डिवाइड का सिंबल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज है, यहाँ इस प्रकार से आपको बना लेना है। और सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट्स के डिवाइड करके देखो। देखो प्यारे बच्चों, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता, फिर 3 से देखो डिवाइड करके, 3 9 जा 27, फिर उसके बाद 9, फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, फिर 3 1 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3। ये जहाँ जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवीजन मेथड करते चले जाना है। उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा डिवीजन मेथड के से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास बी पार्ट है, 34 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर आपने वैसे ही सिंबल तैयार कर लेना है। अब देखो, पीछे इसको 2 से डिवाइड कर देखो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। हम इधर भी करके देख सकते हैं वैसे डिवाइड, रफ काम के अंदर 34 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, उसके बाद 14, 2 7 जा 14, ऐसे भी डिवाइड करके, ये हमारा रफ कम करके यहाँ पर कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब प्यारे बच्चों, 7 किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर नहीं, प्राइम नंबर आ गया। लेकिन 17 17 से ज़रूर डिवाइड होता है, 17 17 1 जा 17, और यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर बन जाता है, आंसर बन जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है बेटा, 92। मैं सी पार्ट भी आपको करके दिखाता हूँ।
फिर हम डिवीजन मेथड को वही फॉलो कर लेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 फोर जा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 और 2 मिलके कैरी होके 12 बन जाता है, 2 सिक्स जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6। अब देखो प्यारे बच्चों, 23 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये अपने आप में प्राइम डिजिट है, लेकिन 46 कंपोज, जब तक हमारे पास कंपोजिट डिजिट है डिवाइड होती चली जाएगी, और जब तक हमारी प्राइम डिजिट ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। अब 23 से डिवाइड हो सकता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 × 23, यही हमारी डिजिट रही, 2 × 23। अब मैं आपको नेक्स्ट सम करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म है डी पार्ट 44 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 × 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब देखो 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो यही हमारी प्राइम डिवी नंबर आ गया, लेकिन 11 1 से डिवाइड होता है, 11 × 1 = 11, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 इज इक्वल टू 2 × 2 × 11, ये हमारे 2 × 2 × 11। ये मैंने फोर सम आपको करके दिखाए, और उसके बाद मैंने ट्री मेथड का कर दिया, लेकिन मैं आपको डी पार्ट 48 का दोबारा करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऊपर वाले पार्ट का ट्री मेथड वाले का कर दिया, 48, 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 6 = 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 = 6। अब ये 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 × 1 = 3, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा। Forty-eight is equal to 2 × 2 × 2 × 2 × 3. 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 48। यही हमारा ये आंसर है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये मैंने फोर सम आपको करके दिखा दिए, ए और बी और सी और डी पार्ट मैंने करके दिखा दिया। अभी जो फोर सम है वो आपका बुक पार्ट है, इसको आप बुक पार्ट में कर सकते हो। 72 का हमें मिसिंग नंबर निकालना है, 72 को 2 से डिवाइड किया, आप रफ काम में 72 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर गया, 18 आ गया, फिर 2 को 18 से डिवाइड किया, 2 × 9 = 18, अब 3 × 3 = 9, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का
72 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 2 2, 3/2 है, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3, ये हमारा 72 का हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। अब हम बी पार्ट देखते हैं, 3 को 75 से डिवाइड किया, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड हो जाता है। अब 5 5 5 5 5 1 5। अब यही हमारा 75 का फैक्टराइजेशन हो गया प्यारे बच्चों, 3 × 5 × 5 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। उसके बाद हमारे पास ट्री मेथड आ गया है। ट्री मेथड के अंदर 3 × 3 = 3 एंड 0 डिवाइड नहीं होता तो 0 ऐसे लग जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो, 2 × 5 = 10, ये हमारा ट्री मेथड हो गया। और हमारा ट्री मेथड का जो 30 का ये बना है, 3 × 2 × 5, ये हमारा फैक्टर मेथड बना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, डी पार्ट है नेक्स्ट पेज पर, 2 को 56 का हमें डिवीजन मेथड से फैक्टर निकालने हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। फिर 28 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 8। फिर 14 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 7 = 14, 7 को 7 से डिवाइड किया, ये आ गया। तो अब हमारा 56 का फैक्टराइजेशन बना 2 × 2 × 2 × 7, ये हमारा फैक्टर बना है। उसके बाद हमारे पास 32 का हमें ट्री मेथड से निकालना है, 32 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 16 2 से डिवाइड किया, 2 × 8 = 16, फिर कंपोजिट 2 × 4 = 8 अपने आप किया हुआ है बुक वालों ने, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 = 4, लास्ट में हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसका हमारा प्राइम फैक्टर क्या बना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 = ये हमारी यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों। इसकी मैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट और ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, सभी बच्चों ने वीडियो को ज़रूर देखना है। और जो ये डिवीज़न मेथड के लास्ट के 4 सम बचे हैं, 4 मैंने करके दिखाए हैं, ई एफ जी और एच, आप लोगों के लिए होमवर्क पार्ट है। आपने कंप्लीट वर्क, क्योंकि ये बुक में तो होता नहीं, आपने पहले रफ़ कॉपी में निकाल के देखने हैं, फिर उसको फेयर कर कॉपी में करने हैं, और फिर मैं आपको कंप्लीट वर्कशीट की, जैसे ही कल कंप्लीट होगी तो शाम के समय में आपको इसको पूरी की पूरा स्क्रीनशॉट आपको क्वेश्चन के आंसर सहित आपके व्हाट्सएप मैसेज पर सेंड कर दूंगा, ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान सकें। और आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।